इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, भूकंप के चलते सीएम अखिलेश यादव ने सभी कॉलेज और स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। आशंका जताई है कि 24 घंटे में भूकंप के कुछ और हल्के झटके आने की आशंका है। इसके लिए एहतियात के लिए स्कूल कॉलेज बंद कराने का फैसला लिया गया है। एहतियात के तौर पर ये निर्देश जारी किए गए हैं कि इंटर तक के सभी स्कूलों को बंद रखा जाए। तो बुधवार यानी कि आज तक बंद रहेंगे इंटर तक के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं। सीएम अखिलेश यादव ने निर्देश जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भूकंप के कुछ और हल्के झटके आने की आशंका जताई है। एहतियात के लिए स्कूल कॉलेज बंद कराने का फैसला लिया गया है। सीएम अखिलेश यादव ने निर्देश जारी किए हैं कि इंटर तक के सभी स्कूलों को बंद रखा जाए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है लखनऊ से। तो भूकंप की दहशत को देखते हुए जिला प्रशासन ने इंटर तक के सभी स्कूल बुधवार तक के लिए बंद कर दिए हैं, यानी कि आज तक के लिए बंद हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने यह आशंका जताई है कि अगले 24 घंटे में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जा सकते हैं। इसके चलते एहतियात के तौर पर एहतियातन स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। सीएम अखिलेश यादव ने निर्देश जारी किए हैं। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता राजीव श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरह से एहतियात के तौर पर स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं, मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका भी जताई है कि अगले 24 घंटे में एक बार फिर से हल्के झटके महसूस किए जा सकते हैं। देखिए, ये कोई भी अगर भूकंप आता है तो उसके बाद में खतरा जरूर कुछ दिनों के लिए बना रहता है, आफ्टर शॉक्स आने की उम्मीद बनी रहती है। इसी के लिए एहतियात बरतते हुए स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो खतरा हो जाता है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हो जाता है। अचानक जिस तरीके से कल भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, उसके बाद में स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको तत्काल जो है बाहर निकाला गया, सुरक्षित स्थानों पर बाहर निकाला गया। इसलिए जैसे ही ये घटना हुई, भूकंप के झटके कल महसूस किए गए, उसके बाद में मौसम वैज्ञानिकों की जो राय थी उनका मानना ये था कि आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। अभी इसी के लिए एहतियात बरतने के तौर पर ये निर्देश दिया गया है कि जो भी 12 तक के विद्यालय, इंटर तक के जो भी विद्यालय हैं, उसको आज बुधवार के दिन बंद रखा जाएगा। और उसके बाद में मौसम वैज्ञानिक और भूगर्भ वैज्ञानिक जिस तरीके से राय देंगे, उसके बाद में यही फिर सरकार निर्णय लेगी कि आगे फिर उसको क्या कार्रवाई करनी है। पर कहीं ना कहीं ये निर्देश जारी किए गए हैं और ये भी आशंका जताई गई है कि अगले 24 घंटे में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जा सकते हैं। क्या मौसम वैज्ञानिकों ने या भूगर्भ वैज्ञानिकों ने ये अंदेशा जताया है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच भूकंप आ सकता है? देखिए, ये जो खतरा है ये 24 घंटे का है। कल जो ये अटैक, जो हल्के से झटके महसूस किए गए, भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसके अगले 24 घंटे तक ये खतरा बना रहता है, आफ्टर शॉक्स आने की उम्मीद रहती है। और ये जो झटके होते हैं ये माना जाता है कि फिर से आ सकते हैं। तो जो वैज्ञानिकों का मानना है कि कल दोपहर में जो झटका महसूस मंगलवार के दिन किया गया था, उससे अगले 24 घंटे तक एक खतरा रहता है, एक आशंका बनी रहती है। और भूकंप के झटकों से बचने की त्रासदी से बचने के लिए सबसे बड़ा जो कदम होता है एहतियात बरतना होता है। और इसी के मद्देनजर फैसला ये लिया गया है कि आज बुधवार के दिन इंटर तक के जो भी विद्यालय हैं उसको बंद रखे जाएंगे, जिससे
कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहती सरकार, इसके लिए सारे जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए और आज तक इंटर तक के सारे विद्यालय जो है बंद है बुधवार के दिन तक। जी राजीव, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अचानक मंगलवार को भूकंप आया और भूकंप से एक दहशत का माहौल भी लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, अगर लखनऊ की बात की जाए तो भूकंप का क्या कुछ असर देखने को मिला? देखिए, सबसे बड़ा असर यह था कि जैसे ही झटके महसूस किए गए लोगों को एक तरीके से हम कहें कि लोग मानसिक तौर पे भी अब तैयार हो चुके हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों में इस तरीके से झटके लगातार महसूस किए गए। उसके बाद में कल जो झटका महसूस किया गया उसके बाद में लोग तुरंत ही जो सुरक्षित स्थान माने जाते हैं, खुले स्थान माने जाते हैं, वहां निकल लिए और कई लोगों में दहशत ऐसी भी रही कि लोगों ने खुले में पार्क में जो है अपना रात तक गुजारी है और बच्चे जो हैं वो भी दहशत में आ गए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो लोगों के मन से ये एक डर जो है खत्म होता नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में जो है किसी मन के किसी कोने में एक डर जरूर समाया रहता कि कहीं झटका फिर से ना महसूस हो, और उसके लिए लोग तैयार रहते हैं कि जैसे ही अगर कहीं ऐसे कोई झटके महसूस होते हैं तो सुरक्षित स्थान पर वो कहां और कैसे कितने कम समय में पहुंच सकते हैं, इसके लिए पूरी तैयारी बना के लोगों ने मानसिक तौर पे अपने को तैयार कर लिया कि अगर ऐसा कहीं कुछ होता है तो वो कम से कम समय में खुले स्थान में और सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। जी राजीव, अगर बात करें प्रशासनिक अमले की तो वो कितना तैयार नजर आ रहा है जिस तरह से अचानक भूकंप आया और किस तरह से लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, कितना तैयार नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक प्रशासनिक अमले की बात है, प्रशासनिक अमला जो राहत डिपार्टमेंट होता है सरकार का, वो पूरी तरीके से तैयार होता है और उनके पास में पूरी टीम अलर्ट होती है, कंट्रोल रूम उनका अपना होता है कि अगर कहीं से कोई भी सूचना मिलती है तो उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। सरकार के सख्त निर्देश हैं कि अगर कहीं से भी कोई सूचना आती है तत्काल जो है वहां पे इस तरीके से कदम उठाए जाएं जिससे लोगों को परेशानी ना हो, तो सरकार ने अपनी पूरी तरीके से तैयारी कर ली है, लोगों ने भी तैयारी कर ली है, सामाजिक संगठन भी पूरी तरीके से तैयार हैं। तो कुल मिला के माहौल ऐसा है कि लोगों के मन में डर तो है लेकिन वो पूरी तरीके से अपने को मानसिक तौर पे तैयार भी कर रखे हैं कि अगर कहीं कोई ऐसी बात होती है तो उसके लिए वो तैयार है, फेस करने को तैयार है, जो चैलेंजेस आते हैं उसको फेस करने के लिए तैयार है, सरकार पूरी तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तैयार है। तो कहीं से भी कोई भी संसाधन की कमी नहीं है, पूरी तैयारी कर ली गई है और सरकार का भी साफ साफ निर्देश है कि अगर कहीं से कोई सूचना आती है या जो प्रिकॉशन लेना उसके लिए अवेयरनेस भी चलाया जा रहा है। प्रशासन और शासन बार बार ये कहता रहा है कि अगर उनको कहीं ऐसे झटके महसूस होते या भूकंप के अगर झटके महसूस होते तो उनको क्या क्या करना है और किस तरीके से अपने मन में भय नहीं लाना है, अपने को तैयार करना है और सुरक्षित रखना है। सरकार के निर्देश के बाद में लोगों के अंदर एक अवेयरनेस भी की गई है, लोगों को जागरूक भी किया गया है और जो सोशल मीडिया है उसने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, लोगों को जागरूक किया है। तो जहां तक है भूकंप के झटके के बाद में लोगों की बात, तो लोग उसके लिए तैयार हैं और लोगों के अंदर जो एक भय जो प्राथमिक तौर पे आता था वो थोड़ा थोड़ा अब कम होता नजर आ रहा है और सरकार भी इसके लिए तैयार है। तो कहीं से भी कोई भी ऐसी आशंका की बात नहीं है, लोग तैयार हैं और लोग हर तरीके से हर स्थितियों में तैयार हैं कि किस तरीके से वो अपने को कहीं ना कहीं राज्यों का देखा जाए तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और लोगों को अवेयर करने की कवायद कर रहा है, वो कवायद भी नजर आ रही है प्रशासन की। साथ ही राजीव, आपसे जानना चाहेंगे जिस वक्त कल भूकंप आया उस वक्त स्कूल कॉलेज खुले हुए थे, बच्चे क्लासरूम में थे, उस वक्त बच्चों का क्या कुछ रुक रहा, क्या आपने बात की उनसे, उनका रुक जाना उस वक्त उन्होंने क्या महसूस किया? देखिए, बच्चों में बहुत ही मिली जुली प्रतिक्रिया रही, जहां कुछ बच्चे जो है पूरी तरीके से दहशत में आ गए जब उनको समझ में आया, जब लोग चिल्लाने लगे तो
स्कूल से क्लास से अपने बाहर जाने लगे, लेकिन कुछ बच्चों की अगर हम बात करें तो उनको ये जो झटके लग रहे थे उनको मजा भी आ रहा था, लेकिन जो उनके टीचर्स थे उन्होंने तत्काल जो है इस तरीके से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और लोगों को ये बार बार जो है कहा जाता रहा कि वो घबराए नहीं और बच्चे जो है फील्ड में जब पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। तो ये चाहे बच्चे हो चाहे जो बुजुर्ग हो या जो और लोग हैं, उन्होंने भी इसके जब झटके महसूस किए गए, स्कूल कॉलेजेस और विभाग जो कि कल वर्किंग डे था तुरंत ही लोग बाहर निकल लिए और सुरक्षित स्थान। लोग सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, लोग एक दूसरे का हालचाल लेना चाहते हैं लेकिन जैसे ही झटके महसूस होते हैं उसके बाद में जो मोबाइल और फोन होते हैं वो जाम हो जाते हैं पूरी तरीके से। कुछ देर के बाद में स्थिति सामान्य होती तो एक दूसरे का लोग हालचाल लेते हुए नजर आए और धीरे धीरे स्थितियां होते सामान्य हो गई। जी राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। जिस तरह से अभी भी मौसम वैज्ञानिकों ने यह अंदेशा जताया है कि कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर हल्के झटके एक बार फिर से आने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि उसके लिए पूरी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट और साथ ही प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है ताकि वो दहशत में ना आए।